इंसानियत में एक दो छोड़ने वाले थे, अब सुबह को मैं सबसे पेमेंट क्लियर करूंगा, मैं किसका मुकदमा डेली लड़ूंगा इस तरह। पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट, पैसे देकर मेहमान होना। धर्मशाला और आराम गाहों का चलन भारत में बहुत पहले से ही रहा है, जहां मुफ्त में आराम करने की सुविधाएं होती हैं। मगर पीजी और हॉस्टलों में पैसे देकर ठहरते हैं लोग, जहां पर आराम के साथ साथ खान पान की भी सभी सुविधाएं होती हैं, जहां रहने रुकने के लिए कुछ नियम होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं। भारत में जिन इलाकों में कॉलेज या कंपनियां हैं, वहां पीजी की भरमार है। वैसे तो सभी लोग अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, मगर कुछ वजहों से लोग अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। जो लोग अपनों से दूर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शायद ही ऐसा कोई शब्द हो जो घर से बाहर रहने वालों की ज़िंदगी को बयान कर सके। बोरिंग, जस्ट बोरिंग। घर से बाहर रह रहे हैं, खाने को मिल जाता है बस, खाने और सोने के लिए। नशे की लत लग जाती है लोगों को, बाहर रहते हैं फैमिली का, मतलब इतना प्रेशर नहीं होता है, तो मतलब नशे की एक बहुत बड़ी लत लगती है। पीजी और हॉस्टलों में कुछ अनजान लोगों के अलावा परिवार के नाम पर लोगों के पास कुछ और नहीं होता। शायद ही कोई होगा जिसे हॉस्टल या पीजी की ज़िंदगी पसंद हो। नए उम्र के लड़के लड़कियां घर से बाहर रहने को शायद आज़ादी मानते हों, जहां उन्हें ना कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला। पीजी लाइफ वो तो अब तुम्हारी जेब के ऊपर है, अपनी जेब को ढीली करो, अपना आराम से एंजॉय करो। एंजॉयमेंट फ्री लाइफ बाखर स्वाद है, एक नंबर की। मीटिंग न्यू पीपल्स हियर, और यहाँ जितना एंजॉयमेंट करना है करिए, घर वालों को कुछ पताता नहीं होता है, जितना मतलब कि कुछ भी करिए, कदे उठो बड़ी मर्जी है कि मैं करो, किसे ना धमकाओ, किसे कुछ कर दो, कुछ कोई रोका टोकी नहीं। पिछली लाइफ बेहतर रहती है, कोई देश में दिक्कत नहीं रहती है। लोगों का घर से बाहर रहना कुछ स्थानीय लोगों को कमाने का मौका दे देता है, और वो पीजी या हॉस्टल जैसा ही अपना कोई धंधा कर लेते हैं। आज न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में काफ़ी मात्रा में लोग परिवार से दूर रहते हैं, जिससे पीजी व हॉस्टल का धंधा ज़ोरों पर है। पैसे तो नहीं है इस लाइन में, लेकिन जो भी कैंडिडेट रहता है उसके लिए फ़ायदे फ़ायदे हैं। अपना उसको ना अपने घर से कोई ज़्यादा सामान लाने की आवश्यकता रहती है, ना कुछ बनाने की।